अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट लेक्चर में आपसे रिक्वेस्ट आप लोगों से मैंने कहा था कि डेलीगेशन मैट्रिक्स या डेलीगेट जब करते हैं टास्क को तो उसका एक डेलीगेशन मैट्रिक्स बनता है, उस डेलीगेशन मैट्रिक्स को रेसी मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है RACI, रेसी। रेसी एक एक्रोनियम है जिसमें R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, A स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, C स्टैंड्स फॉर कंसल्टेड एंड IN स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्म्ड। अब फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि रेसी चार्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई टास्क है जो कि हायर मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, और हायर मैनेजमेंट वो टास्क जो है हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ डेलीगेट करना चाह रही है, ट्रांसफ़र करना चाह रही है, ताकि उसको ऑपरेशन में ला के डिलीवरी उसकी बनाई जाए और रिजल्ट्स उसके हासिल किए जाएँ, और रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क को बनाना चाह रही है, यानी ऑपरेशनल टास्क बनाना चाह रही है, स्ट्रेटजी से अब उसको ऑपरेशनल प्लानिंग की तरफ लाना चाह रही है। तो जब भी ऐसा कोई टास्क हायर अथॉरिटी से टूवर्ड्स लोअर अथॉरिटी ट्रांसलेट होगा, ट्रांसफ़र होगा, डेलीगेट होगा, दिया जाएगा, तो आपको बताना पड़ता है कि इस टास्क को अचीव करने के लिए या रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। और इसके साथ साथ अगर कोई टास्क में प्रॉब्लम्स आती हैं या टास्क के अंदर कोई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं या टास्क के अंदर डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव नहीं होता या टास्क अपनी टॉलरेंस लेवल से डेविएट कर रही है, यानी आपने उसमें कहा था कि भाई ये टास्क 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए लेकिन इसको 4 दिन लग रहे हैं, तो इस डिले के लिए फिर कौन अकाउंटेबल होगा? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ इसको ये टास्क दिया है, लेकिन उससे ये काम करवाना और फिर जवाबदारी किसकी होगी, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल कौन है? फिर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो वो टास्क जो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ से आया, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको एडवाइस चाहिए होती है, सजेशंस चाहिए होती हैं, या फिर आपने दूसरों किसी से मशवरा लेना पड़ता है, तो कंसल्ट किसको करेंगे, यानी इस टास्क को अथॉरिटी कौन है जो कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड प्रॉपरली कर सके। फिर इस टास्क के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट ऑफिशियल, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ऑफिशियल या कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल, अगर आपको किसी को बताना है, इन्फॉर्म करना है, तो किसको इन्फॉर्म करेंगे, कौन सी पार्टीज़ हैं जिसको इन्फॉर्म किया जाएगा? तो रेसी चार्ट में ये 4 बेसिक एंटिटीज़ हैं जिसको फिल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बड़ा ही सिंपलेस्ट चार्ट है, बहुत एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें 4-5 चीज़ें ही आप लिखें, यानी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड या इन्फॉर्म्ड। इसमें लोग इसमें चीज़ों को ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यही 4 चीज़ें। इसको लीनियर डेलीगेटिंग मैट्रिक्स भी कहा जाता है, यानी लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सलाह में कहा जाता है, और मैनेजमेंट की सलाह में इसको ये क्या कहते हैं, डेलीगेशन मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा जी, हमने ये बात की कि रेसी स्टैंड्स फॉर, आर स्टैंड्स फॉर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, द पर्सन हु इज़ असाइंड टू डू द वर्क, जिसको वर्क काम करना या असाइनमेंट दिया गया। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? द पर्सन हु टेक्स द फाइनल डिसीजन एंड हैज़ अल्टीमेट ओनरशिप, इज इट क्लियर, जो आखिरी डिसीजन लेगा और उसकी अल्टीमेट ओनरशिप होगी, यानी साइनिंग अथॉरिटी, हाँ या ना, या आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फाइनल अथॉरिटी किसकी है, वो अकाउंटेबल कहलाता है। हु इज़ कंसल्टेड, द पर्सन हु मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर एनी डिसीजन और एक्शन, जैसा आपको हमने बताया, इन्फॉर्मेशन किसको आप देंगे, कंसल्ट किसको करेंगे। फिर द पर्सन हु मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसीजन एक्शन टेकन। तो ये सिंपल सी हमने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दे दी, RACI से हमारी मतलब क्या है कहने का। अच्छा, एक सिंपल सा हमने ये टास्क, सॉरी माय मिस्टेक, सिंपल सा हमने एक टास्क बनाया है। फॉर एग्जांपल ये इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स हैं और फिर मुतअद्दिद रोज़ हैं, ये टास्क आईडी है। अब टास्क आईडी में आप टास्क आईडी लिख दें, 1, 2, 3 अपने कोड्स डिफाइन कर दें, या टास्क के इनिशियल्स लिख दें, JKL कोई भी टास्क हो सकती है, या फिर आप लिख दें कि भाई प्लम्बिंग की टास्क थी फॉर एग्जांपल, या फिर आप लिख दें इलेक्ट्रिक टास्क थी कोई, या फिर आप लिख दें फॉर एग्जांपल कोई भी आप उसको टास्क डिफाइन करें, आपने लिखा इंस्टॉलेशन की फॉर एग्जांपल कोई टास्क है, तो ऐसा कोई टास्क आईडी या टास्क में कोई कोड डिफाइन कर दें, या फिर इस तरह से कर दें कि कोई उसका नाम या कोई इनिशियल डिज़ाइन कर दें। फिर यहाँ पर इनिशियल्स लिख दें, जैसे DEF कोई इनिशियल है, मेरा जैसे इनिशियल होता है HZR, तो H
जेड आर हारिस जिक्रुर रहमान, ये मेरा इनिशियल है। तो डी ई एफ, तो यहाँ पर आपने एम्प्लॉइज़ के या मेंबर्स के, जो इस टीम के मेंबर्स हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबल होंगे या कंसल्टेंट होंगे, जिनको इन्फॉर्म किया जाएगा, उनके यहाँ पे आईडीज के साथ साथ इनिशियल मेंशंस कर देंगे। अच्छा जी, आगे चलें ज़रा। स्टेप्स क्या हैं? ब्रेक डाउन योर प्रोजेक्ट टास्क लिस्टेड ऑन द गैंट चार्ट। अब ये गैंट चार्ट क्या चीज़ है? मैं ऑर्गेनाइजिंग हम पढ़ रहे थे, तो ऑर्गेनाइजिंग दरअसल जो है वो एक चीज़ों को एक पैरामीटर में या चीज़ों को डिज़ायर्ड सीक्वेंस में लेके आने का नाम है। तो गैंट चार्ट दरअसल डिज़ायर्ड टास्क की डिज़ायर्ड सीक्वेंस होती है। अब यहाँ पर देखें, हर टास्क डिफाइंड होता है, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क फोर, टास्क फाइव। टास्क वन 20 अप्रैल को हो रहा है और 24 अप्रैल तक चलेगा। टास्क टू 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है, 24 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है और फिर 1 मई तक चलेगा। इस तरह से हर टास्क की अपनी प्रेसिडेंस है, यानी टास्क वन पहले होगा, फिर टास्क टू पहले, उसके बाद होगा, फिर टास्क थ्री पहले, उसके बाद होगा। बाज़ अवकात ये भी होता है कि टास्क टू स्टार्ट होने से के लिए ज़रूरी है कि टास्क वन ख़त्म हो, टास्क फाइव के लिए ज़रूरी है कि टास्क फोर ख़त्म हो। तो ये रिलेशनशिप्स हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं बातें, लेकिन सिंपल सी एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर डेज़ के अंदर ड्यूरेशन आ गई आपकी और फिर यहाँ पर कब तक ये टास्क असाइन हो रहा है। तो दरअसल कहने का मतलब ये कि जो टास्क आईडीज़ यहाँ पर डिफाइन है, सारी जो टास्क आईडीज़ यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर जो आईडीज़ यहाँ डिफाइन होंगी रेसी मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ जी किधर गया, हाँ जी सॉरी, रेसी मैट्रिक्स के अंदर जो यहाँ पर टास्क आएंगी वही टास्क आएंगी जो गैंट चार्ट में आप टास्क डिफाइन करते हैं, एग्जीक्यूशन से लेकर आखिर तक जो भी आपका रेसी मैट्रिक्स डेवलप होता है उसके अंदर। सेकेंडली, मेंशन दिस टास्क एज लेबल टास्क आईडी ऑन द रेसी मैट्रिक्स, ओनली ऑफ द नेम्स, इनिशियल्स ऑफ द नेम शुड बी मेंशन। यानी हारिस जिक्र रहमान लिखा हुआ है तो पूरा हारिस जिक्र रहमान ही लिखा, मैंने कहा कि हारिस जिक्र रहमान का मतलब है एच जेड आर। तो ये सिंपल से एक रेसी मैट्रिक्स है जिसको हमने डिफाइन करना था, डेलीगेशन मैट्रिक्स, रेसी मैट्रिक्स, ऑलमोस्ट सिंपल है। इसी तरह से हमने इसमें गैंट चार्ट देखा। गैंट चार्ट एक तरह का प्लानिंग टूल है और प्लानिंग से ही ऑपरेशन की तरफ जब आप लेके जाते हैं तो गैंट चार्ट बनाना पड़ता है। यानी आपको यहाँ पे सीक्वेंस, स्केड्यूलिंग, गैंट चार्ट का मतलब है। अब फॉर एग्जांपल एक टास्क है, ये मेन टास्क हो सकता है, इसकी बहुत सारी आप सब टास्क भी हो सकती हैं, टास्क टू की भी बहुत सारी सब टास्क हो सकती हैं, टास्क थ्री की बहुत सारी सब टास्क हो सकती हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक चीज़ होती है गैंट चार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ये टास्क जो है बुनियादी तौर पर माइलस्टोन्स हैं, मेजर माइलस्टोन्स। हर माइलस्टोन्स के अंदर टास्क हैं, हर टास्क के अंदर सब टास्क हैं। आप इसको इस तरह समझें, हर टास्क जो है दूसरी टास्क से इंटरलिंक्ड भी होती है। यानी अगर ये प्लानिंग की है उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की है, तो प्लानिंग जब तक नहीं कंप्लीट होगी तो ऑर्गेनाइजिंग कैसे स्टार्ट करेंगे और प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन भी करेंगे। तो गैंट चार्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट और जितना अच्छा गैंट चार्ट डेवलप होता है उतनी ही अच्छी जो है वो उसकी रिजल्ट ओरिएंटेशन होती है और चीज़ें आगे डिलीवर होती हैं। गैंट चार्ट के साथ साथ हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि अच्छा, हाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, ये एक सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जूम इन कर दूँ, ये एक सैम्पल मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो अब फॉर एग्जांपल ये सीईओ है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स, यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स आ गए। अब होगा क्या, गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड मेंबर्स गवर्नमेंट से लिंक्ड है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बोर्ड मेंबर से लिंक है और साथ साथ गवर्नमेंट से भी लिंक्ड है। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह ये लोग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको इम्प्लीमेंट करती है। अब बोर्ड मेंबर्स एक तरीके के आप समझ लें एडवाइजरी काउंसिल है, जो कि प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को एडवाइस करती, सजेस्ट करती है या इनपुट्स देती है अपनी स्ट्रेटेजिकल इनपुट्स। यानी अगर मैं स्ट्रेटेजी के हवाले से बात करूँ तो ये को सीईओ, वीपी, बोर्ड्स और कुछ हद तक डायरेक्टर्स आपके स्ट्रेटेजिकल पार्टनर्स हैं और स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे हमने कहा था, ये डायरेक्टर्स ये वो लोग होते हैं जो अमूमन हायर मैनेजमेंट को, ये लोअर जो मिडिल मैनेजमेंट है जिसमें मैनेजर्स आते हैं, हायर मैनेजमेंट को मिडिल मैनेजर्स के साथ गैप को ब्रिज करती है, इनको आपस में मिलाती है, कनेक्शन डेवलप करती है। यानी हायर मैनेजमेंट से जो टास्क डिफाइन हो रहे होते हैं, लोअर मैनेजमेंट तक टास्क जो आते हैं वो ये डायरेक्टर्स के थ्रू आते हैं। तो दीज डायरेक्टर्स बुनियादी तौर पे दे प्ले द रोल ऑफ अ ब्रिज। फिर उसके बाद
यहाँ पर आप ये मिडिल मैनेजमेंट आ गई, मैनेजर, मैनेजर्स, मैनेजर्स, मेंटेनेंस, और फिर उनके बाद आपके जो हैं उनके एम्प्लॉयर्स आ गए, जो कि एम्प्लॉयज़ हैं सारे उनके, ये डिपार्टमेंट्स आ गए मेन। अब ये इसमें फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर ये किसी, अगर ये को प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट ना लिखूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूँ भाई वीसी लिख दूँ, इधर वीसी लिख दूँ, इधर लिख दूँ मैं, ये मैं यूनिवर्सिटी का अगर बनाऊँ किसी भी, और इधर सॉरी इधर मैं लिख दूँ डीन, इधर मैं लिख दूँ डीन, तो अब ये जो जितने भी लोग हैं ये सपोर्ट किसको करेंगे, एच ओ डी सी टी ई डबल ई। अब ये एच ओ डी सी टी ई डबल ई जो है ना, ये बुनियादी तौर पे लाइन फंक्शन हो गया, यानी ये मेजर फंक्शन है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है किसी भी इस यूनिवर्सिटी के प्रॉफिट से या किसी भी यूनिवर्सिटी के उसकी स्टैंडर्ड से। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग डबल ई टी ई, ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये डायरेक्टली प्रॉफिट के साथ इनका लिंक होता है, और ये जो चीज़ें प्रॉफिट के साथ डायरेक्टली लिंक होती हैं ये कहलाती हैं लाइन फंक्शन। यानी ये बुनियादी तौर पे लाइन फंक्शन ही की ड्यूटी है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। बाकी जो लाइब्रेरियन हैं, टेक्निकल एडवाइजर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस या डायरेक्टर एकेडमिक्स वगैरह, इनकी ड्यूटी ये होती है कि आप इनको सपोर्ट करें, इनको इस तरह से सपोर्ट करें कि इनकी एक्टिविटीज़ जो ये परफॉर्म कर रहे हैं जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, उसको ये उस उसकी एफिशिएंसी को या इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए इनकी हेल्प करें। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्टाफ फंक्शन के लोग हैं, यानी ये जो सारे जो स्टाफ फंक्शन है ये जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है प्रॉफिट के साथ, तो इनका काम होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना किसी भी इदारे के अंदर। तो ये एक तरीके का मेरा जो है, मैंने सैम्पल किसी भी एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी का, किसी भी एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी का, मखसूस यूनिवर्सिटी का नहीं है, एक सैम्पल है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर से डेलीगेशन होती है टास्क की, नीचे आती है, ऊपर देखिए ऑफिस बॉयज़ तक, रिकॉर्ड ऑफिसर तक टास्क किस तरह से डेलीगेट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हर किसी की अपनी ड्यूटीज़, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड होती हैं, डिस्क्रिप्शन असाइंड होती हैं, तो इट्स ऑर्गेनाइजिंग पार्ट। और फिर ये बताना कि कौन क्या कैसे करेगा, ये प्लानिंग का पार्ट है, और ऑर्गेनाइजिंग में उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आ गया। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे पास एक बिजनेस केस टेम्पलेट बनता है, प्रिंट्स टू, यहाँ देख रहे होंगे, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज इन कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट पी आर से प्रोजेक्ट इन कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट का पार्ट ये स्टेशन है, सेट टू है। बिजनेस केस डिफाइन करते हैं जिसमें आप सारी चीज़ें बिजनेस के हवाले से, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनते हैं, ये वो बिजनेस केस का एक डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल। उसके अलावा प्रोजेक्ट इनिशिएशन का एक डॉक्यूमेंट होता है, पिड कहलाता है, ये स्ट्रेटेजिकल व्यू पॉइंट्स इसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, ऑपरेशनल चीज़ें सब डिफाइन की जाती हैं, कौन क्या कब क्या कैसे करेगा, रेसी मैट्रिक्स डिवेलप करना होता है जो चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये डेवलप करनी होती है कि कितनी क्वालिटी रखनी जाएगी, क्या क्वालिटी की डिस्क्रिप्शन होगी। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट डेवलप करना पड़ता है आपको, गैंट चार्ट डेवलप करना पड़ता है, इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ वर्क, इसमें देखें डिटेल एनालिसिस होगा, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अजम्पशंस क्या हैं, गोल्स क्या हैं, बिजनेस सोल्यूशन स्कोप क्या है, डिलीवरेबल्स क्या होंगे, माइलस्टोन्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड एडेरेंस रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स क्या चाहिए होगी, एडिशनल रिसोर्सेज, चेंज ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर। तो ये सारी स्ट्रेटजिकल पॉइंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑपरेशनल प्लानिंग या एक्शन प्लानिंग को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स मुझे शेयर करने थे आपसे, साथ ही साथ हम जरा बुक का भी ओवरव्यू ले लें। ये हमारी बुक है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की, पेज नंबर 51 से मेरे ख्याल से, चैप्टर नंबर 2, यस पेज नंबर 51, इससे हमने चैप्टर स्टार्ट किया। इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं ज़रा, जिसे चैप्टर स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजिंग स्टडी की हमने, इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन से सब चीज़ें, रिडक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट लेवल, इनहांस कम्युनिकेशन टूल्स टाइप्स, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन है, वर्क अरेंजमेंट, सारी हेडिंग्स हमने स्टडी की, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ऑर्गेनाइजिंग की ये हमने स्टडी की, किस तरह से आपको अपनी वर्क प्लेस जो भी है उसको बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए ये स्टडी किया। उसके बाद आई एम सॉरी, उसके बाद हमने ऐसा, इसमें कुछ कुछ वो भी हैं आपकी एक्सरसाइजेस भी हैं जो कि सॉल्व एक्सरसाइजेस, आई रिक्वेस्ट कि आप इन सॉल्व एक्सरसाइजेस से ज़रूर गुजरिएगा, एलएमएस का ऑलरेडी अपलोडेड है बुक। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा, उसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है,
अच्छा, जिस जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने यहाँ शेयर किया किसी भी यूनिवर्सिटी का, ये रहा, इट्स अ डिसिप्लिन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके जो मेन लाइन लाइन फंक्शन है, लाइन फंक्शन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। अभी लाइन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन अ डिसिप्लिन, ये एक डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसके सब डिसिप्लिन बने हुए, तो सर डिसिप्लिन बेस्ड। आप किसी भी स्टाफ फंक्शन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लाइन फंक्शन से आपको देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या। खैर, अच्छा जी, मुख्तलिफ आपके पास टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आ गए जी, हमने स्टडी किए थे डिटेल के अंदर। अच्छा जी, मैट्रिक्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पर, अच्छा देखें ऊपर, ये एक आपके पास जो है एक और जो है वो एग्जाम्पल है। फिर टीम ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, सॉरी टीम ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमने स्टडी की, ये सब स्टडी किया। एग्जाम्पल आ गई, एग्जाम्पल आप जरूर देखिएगा, कॉर्पोरेट इन्हांसिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बाय ऑर्गेनाइजिंग, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये डिस्कस किया था। ऑर्गेनाइजिंग फॉर इनोवेशन डिस्कस किया था। अच्छा जी, ये सब दिखाने का मकसद ये होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की हैं और बुक में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और हमने उसको किस तरह से कोर्स में डेवलप किया है और आपको जिसको इम्पार्ट किया है। तो इट्स अ वेरी इन्हांस्ड कोर्स ऑर्गेनाइजिंग का, कल्चर के हवाले से हमने बात की थी, फोरकास्टिंग थी, वो तो प्लानिंग के अंदर थी, डेलीगेटिंग आ गई, डेलीगेटिंग में डेलीगेटिंग मैट्रिक्स, जो डेलीगेटिंग मैट्रिक्स है इसको हमने रेसी मैट्रिक्स के तौर पर भी देखा है, तो इट यू कैन डेवलप अ रेसी मैट्रिक्स एज वेल, RACL। अच्छा जी, रेसी मैट्रिक्स आ गया आपके पास एक, ये रोल्स आ गए, रोल्स, अच्छा ये रोल्स भी रेसी मैट्रिक्स से निकलते हैं, देखिए ना यहाँ पर वही चीज़ आ गई, मे बी अप्रूव, मस्ट बी नोटिफाइड, मस्ट बी कंसल्टेड, मस्ट बी, तो लोग अपनी तरफ से इनकी एब्रीवेशन बना लेते हैं, लेकिन कमोबेश ये वही एब्रीवेशन होती हैं जो हमने आपको रेसी मैट्रिक्स में दिखाई, यानी लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है इसको। रोल्स आ गए आपके पास, कॉन्फ्लिक्ट्स की हमने बात की थी, कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन बहुत सिंपल है इसका, कंक्लूजन आ गया, क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ दिए भी हैं, उन क्वेश्चंस को प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला अज़ वजल, होपफुली इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, वी विल बी स्टडिंग द चैप्टर लीडिंग, चैप्टर नंबर 4। टिल नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और हमको दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। haris@dsu.edu.pk मेरा ईमेल आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस ईमेल आईडी पे ज़रूर ईमेल कीजिएगा, HARIS लिख के दिखा देता हूँ, ईमेल आईडी है मेरी HARIS@dsu.edu.pk। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।